हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राव। क्लास सेवंथ का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी के अंदर, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर, इसे के 1000 वर्ष के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए उसके बारे में चर्चा करी। में जो सोर्स उन 1000 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुए थे उसके अंदर क्या सोर्स थे जिन सोर्स के माध्यम से अपने को पता चलता है कि किस प्रकार के धर्मों का उदय हुआ था, किस प्रकार के नए क्षेत्र उदित हुए, किस प्रकार की संस्कृतियां आई, सभ्यताएं हुई, किस प्रकार का पहनावा था, उन सब की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है। तो इन सोर्स को जो है सबसे पहले अपना आता है इंस्क्रिप्शन, जो आपका है शिलालेख। तो इनके माध्यम से शिलालेख कहीं जैसे गुफाएं वगैरह होती है उनके माध्यम से अपने को पता चलता है, या पत्थरों पर लिखी गई जानकारी के माध्यम से अपने को पता चलता है कि किस प्रकार के धर्म थे, किस प्रकार के संप्रदाय संस्कृतियां पनपी, वो सारी जानकारी मिलती है। फिर सिक्के, सिक्कों के माध्यम से पता चलता है कि किसका शासन रहा था, कौन उस समय शासक हुआ था, किस वर्ष ये सिक्के जारी किए गए थे, कौन से काल में हुए थे, उन सब की जानकारी है जो अपने को सिक्कों के माध्यम से। फिर आर्किटेक्चर कला, जो आपके मंदिर वगैरह होते हैं, स्तोत्र साहित्य, उनके बारे में पता इनके माध्यम से चलता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जो दस्तावेज होते हैं लिखित, जैसे कोई यात्री वगैरह होते हैं वो वजह से यहाँ आते हैं, यात्राएं करते हैं, उन यात्राओं का जिस प्रकार उनका वृतांत रहता है, उन वृतांत को वो अपने जो है दस्तावेजों के अंदर रखते हैं, लिखते हैं, उनको बाद में आगे अपन पढ़कर जो है इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं सोर्स के माध्यम से पता चलता लगाया जाता है कि पीछे के जो 1000 वर्ष हैं, उन 1000 वर्ष के माध्यम से हमें किस प्रकार की जानकारी मिली थी। तो इसको हम डिटेल में जानने के लिए बुक के माध्यम से रीडिंग करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में जिस प्रकार चर्चा की उसको बुक में रीडिंग करते हैं आपके हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, जो इतिहासकारों ने किस प्रकार से जो सोर्स थे उनको स्रोत थे किस प्रकार से उन स्रोतों के माध्यम से उनको पता लगाया था कि हिस्टोरियन राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम वेरियस सोर्स सच एज द कोइंस, ओल्ड इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर एंड पॉइंट्स। तो उन्होंने किस प्रकार से पुराने शिलालेख हैं, साहित्य हैं, सिक्कों के माध्यम से जिस प्रकार के इतिहासकारों ने इतिहास का जो पता लगाया, बेसिस जो सूचना प्राप्त की थी, देयर आर मेनी आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेचरी एविडेंस एंड सोर्स टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया। जो साहित्य के अंदर जो साक्ष्य प्रमाणित हुए हैं, स्रोत साक्ष्य स्रोत मिले हैं, लिखित दस्तावेज इतिहास के अंदर जो मध्यकालीन भारत है उसके बारे में, लिटरेसी सोर्स रिलेटेड टू मिडिएवल इंडियन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एंड फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो उसको जो है दो भागों में विभक्त किया गया, दो श्रेणियों में बांटा गया है, राइटिंग ऑफ द इंडियंस एंड राइटिंग ऑफ द फॉरेनर हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज। तो उस समय भारतीयों द्वारा जो लिखित थे और दूसरे जो बाहर के जो विदेशी भारत के अंदर आए, जिस प्रकार भारत की यात्राएं की, उनका वर्तमान फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन, मैंने आपको पीरियड बताया ही था, इस पीरियड के माध्यम से जो है लगभग 700 से लगाकर 1750 के माध्यम में हिस्टोरियंस के ले ऑन कोयंस इंस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है इनको सिक्कों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से, आर्किटेक्चर जो पूरा तत्व है उनके माध्यम से, टेक्सचुअल रिकॉर्ड के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हुई। तो लिटरेसी सोर्स इन इंडियन जेनिस। तो इन अर्ली डेज पीपल मोस्टली यूज्ड पाम लीव, सीप, लेदर, वुड बॉक्स, स्टोन टेबलेट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू राइट। पेपर वाज गार्डली स्टार्टेड टू बी यूज्ड टू राइट फ्रॉम ए 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मैनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर, टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज एंड वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव पैलेस वर द डॉक्यूमेंट एंड मैनुस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। तो अपने को जब उस समय से तात्कालिक समय में पता चलता है कि जो पत्तियां वगैरह थी, जो शिप्स की जो लेदर जो चमड़ा होता था, वुड ब्लॉक्स होते थे, उसके माध्यम से जो स्टैंड के टेबलेट्स होते उसके ऊपर वो अपने कृत्य जो है लिखित करते थे, जो घटनाओं का वृत्तांत जो है लिखते थे। नो मनुस्कृति जो इनके माध्यम से अपने को जानकारी प्राप्त होती थी, उस समय के लोग जो है वेल्थी होते थे, जो धन संपदा से वहां के शासन है, टेम्पल मंदिर का निर्माण करवाते थे, इस प्रकार से भरपूर जो है वो समृद्ध और सुखी थे। इन कंटेम्पररी टाइम्स वाज द फैशन ऑफ राइटिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑटोबायोग्राफी सच ए जहांगीर जहांगीरनामा, बाबर बाबरनामा, बायोग्राफी सच दैट शेर शाह ना ए तहरीक ए शेर साई रिटर्न इन अब्बास शेरवानी। तो अब जैसे अपने जानकारी मिलती है कि जो उनके नए जो कंटेम्पररी
लिखित दस्तावेज हैं अपनी जीवनी, जहांगीर ने जहांगीरनामा, बाबर की बाबरनामा, ये जो शेर शाह की जो है तारीख शेर शाह, तो इस प्रकार के करती है जो उनकी जीवनिया लिखित थी। द स्कॉलर मोस्टली रोट कोर्ट क्रोनिकल क्रोनिकल्स विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ रूलर और द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव्ड। राजतरंगिणी मीन स्ट्रीम ऑफ किंग्स रिटन बाई कल्लड़ इज ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अब जो है राजतरंगिणी स्ट्रीम ऑफ किंग्स जो लिखित गई थी कल्लड़ के द्वारा, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्लड़ ने की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। द अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य फोर्थ द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी साउथ इंडिया। तो कल्याणी जो क्षेत्र है, वातापी और कल्याणी जो साउथ के अंदर है, वहां का जो चालुक्य शासक था विक्रमादित्य फोर्थ, तो उसकी भी उपलब्धियां थी। हैव बीन मेंशन इन द बुक नेम विक्रम देव चरित्र रिटन बाय बेलन। तो उसने भी अपनी जो कृतियों को, जो है उपलब्धियों को, विक्रम देव चरित्र के अंदर रिटन लिखित दस्तावेज तैयार किया था बेलन के माध्यम से। मेनी टाइम पीपल रोट अबाउट इवेंट्स सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट्स अकरेंस। द पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज बाई चंद बरदई मेनी ईयर्स आफ्टर द किंग ऑफ डेथ। तो और दूसरा आप देखो पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आपने सुनाएंगे, पृथ्वीराज चौहान की जो है पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदई द्वारा लिखी गई थी, उसका भी जिक्र मिलता है। ए हिस्टोरियन अपॉइंटेड बाई द रूलर ऑफ रिकॉर्ड क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हिज रूल वाज नाउ एज कोर्ट हिस्टोरियन। अबुल फजल वाज वन द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियन हु रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकबर न्यूज वाज कंबाइंड बाय हॉरिस राइटर्स इन द प्रेजेंट इन द इंपेरियल कोर्ट। तो अब जो है कई इतिहासकारों की महत्वपूर्ण नियुक्ति जो शासकों के दस्तावेज तैयार करते हैं, उसमें आपके अबुल फजल आता है, एक महत्वपूर्ण जो है लेखक हुआ था जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी का जिक्र किया था, और ये अकबर के दरबार में था। एज द वेन द रूलर ट्रेवल्ड द राइटर्स आल्सो यूज टू ट्रेवल अलोंग विथ हिम वेन द टास्क ऑफ कंप्लेसेंस वाज कंप्लीट द रूलर यूज टू रिलीज इट विथ ए लॉट ऑफ वॉर्म एंड सो। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द तारीख ए फिरोज शाही विच वॉज रिटर्न टू बाई जियाउद्दीन बर्नी ही रूट हिज क्रॉनिकल इन 1356 अनदर वर्जन 2 years later। तो उसके बाद में कई सारे ऐसे यात्री आए जिन्होंने अपने वृतांत लिखे, जिसमें तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो इस प्रकार के कहीं जो है अपने को साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए थे। लिटरेसी सोर्स ओवरसीज फॉरेजर। तो अब जो है कुछ जो है समुद्री रास्तों से आए थे यात्री, जो उन्होंने समुद्री रास्तों की खोज की थी, उसके माध्यम से अपनी अपनी बुकें लिखी थी। मैनी टाइम्स वी कम टू नाउ दैट द कोर्ट हिस्टोरियन द रूलर दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन रूलर हिज फैमिली एंड विक्ट्रीज वर वेग्ड सो इन ऑर्डर टू गेट ऑनेस्ट आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल एंड देयर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वी हैव टू टर्न टू द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। बुक हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स एंड लेटर्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल। वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ प्लिमाउथ एम्बेसेडर्स एंड ट्रेडर्स। तो उस समय जो कई प्रकार के आते थे, जैसे राजदूत होते थे, व्यापारी होते थे, ये जो समुद्री रास्तों से अपना जो तय करते थे, एज द वे मेरली विजिटर दे आर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट द कंटेम्पररी टाइम। हाउएवर देयर मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स वी अननोन टू और कल्चर एस्पेक्ट एंड दस थस वर अनेबल टू मेक ए करेक्ट जजमेंट अबाउट द फ्यू पिक्चर ऑफ दिस टाइम। और वो जो यात्री वगैरह होते थे, जो ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी, वो एकदम उस प्रकार की, जिस प्रकार की सिचुएशन थे, उसी सिचुएशन को बताते थे कि किस प्रकार की वहां सिचुएशन थी, उसी पिक्चर को वो दर्शाते थे उस समय की। फॉरेनर ऑफिशियल वी ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग मिडेवियल पीरियड। मध्यकालीन जो अवधि थी उसके अंदर बड़े पैमाने पर बाहरी विदेशी यात्री आए। दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ देयर ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को वाज वन ऑफ सच ए विजिटर। इब्न बतूता जो भारत की यात्रा पर आया, वो अपने जो है एक्सपीरियंस अनुभव साझा करते हैं। इब्न बतूता जो जिसका जन्म मोरक्को के अंदर हुआ था, वो एक महत्वपूर्ण विजिटर था। ही कम इंडिया ड्यूरिंग रूल ऑफ द तुगलक डोमिनियन ऑफ पीस फॉर्म पुर्तगाल निकोलो कॉन्टी फॉर्म इटली
निकथेन फ्रॉम रशिया एंड मार्को पोलो फ्रॉम फ्रांस ए प्रोसेफर सिटी स्टेट इन इटली। तो ये जो उस समय सारे कई प्रकार के जो हैं आए थे भारत के अंदर। फिर आप क्या आते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी रेफर टू काइंड ऑफ स्टाइलाइज राइटिंग, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिकोरेशंस विच इज यूज इवन द मोनुमेंट्स। मैनी ऑफ द पार्सियन मनुस्क्रिप्ट्स वर इलस्ट्रेटेड इन ब्यूटिफुल मैनर। दे यूज फ्लोरल ज्योमेट्रिक शेप्स एलोंग विद द कैलीग्राफी। ह्यूमन फिगर वर नॉट यूज। तो अब उस समय जिस प्रकार की जो शैली थी उनको लिखित दर्शाते थे, वो अपनी जो चित्रकारिता थी उन चित्रकारियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो आकर्षित करते थे। फिर आपका आता है ट्रांसलेशंस। वर्क ऑफ हिस्ट्री फिलोसफी एंड रिलीजियन वर ट्रांसलेट आल्सो। फॉर एग्जाम्पल बाबर नामा नाना वाज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की एंड वाज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन। बाबर नामा जो है ओरिजिनल जो है तुर्की के अंदर लिखा गया, लेकिन उसको बाद में जो है फारसी के अंदर ट्रांसलेट किया गया। सीरियड बुक्स हिंदू रिलीजन सच एज ए भागवत गीता इन द उपनिषद पर आल्सो ट्रांसलेट इन टू पर्शियन। जो और हिंदी ग्रंथ है, हिंदी धर्म के अंदर ग्रंथ है, जो भागवत गीता है, उपनिषद है, इनको भी ट्रांसलेट किया गया है पारसी के अंदर। रिलीजन लिटरेचर अब जो है धार्मिक साहित्य। द मिडेवियल पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी संत। दे रोड मैनी पीसेस ऑफ पोएट्री विच रिफ्लेक्टेड एंड टाइम्स वेन दे लिव्ड। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडिया रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो भारत की जो महत्वपूर्ण धार्मिक लैंग्वेज में लिखे गए दो ग्रंथ है महाभारत और रामायण रीजनल लैंग्वेज। अब जो धार्मिक जो भाषाएं रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंट सेक्युलर एंड रिलीजियन लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेज सच एज हिंदी बंगाली गुजराती उड़िया कन्नड़ तेलुगु मलयालम संस्कृत आसमिया कश्मीरी पंजाबी एक्सेट्रा। दीज वर्क प्रोवाइड ए डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ एंड फीलिंग ऑफ ए कॉमन पीपल एट दैट टाइम। और ये जो सारी लैंग्वेजेज हैं उस समय की जिस प्रकार की जो फीलिंग ऑफ कॉमन पीपल जो सामान्य लोगों की जो एक जिस प्रकार की लैंग्वेज होती थी उसका जिक्र अपने को प्रदान करती है। आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेटेरियल रिमेन्स पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड द एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द वेरी अर्लेस्ट स्टोन टूल्स टू द मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर बरीड और थ्रो अवे इन द प्रेजेंट डे। एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सिंपल टू टूल्स टू कॉम्प्लेक्स मशीन फ्रॉम अर्लेस्ट हाउस एंड टेम्पल्स एंड टॉम टू पैलेस चर्च लेडर्स एंड पिरामिड्स। दीज इंक्लूड कॉइन्स वेपन्स व्हील विसल्स टेराकोटा टॉयज बीड्स ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्रीहिस्टोरिक एसेंट एंड द एक्सीडेंट कल्चर। तो अब जो आपको एक डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से अपने को पता चलता है कि जो सभ्यताएं हैं किस प्रकार से सभ्यताएं जो पनपी थी, किस प्रकार के लेख थे, जो ऑर्नामेंट्स हैं, किस प्रकार के गहने अपने को प्राप्त हुए थे, खिलौनों हैं, मर्दमान है, ये सारे जिस प्रकार से प्राप्त हुए थे जो खोज की गई थी, जो सर्वेक्षण करता थे आर्कोलॉजिकल थे उनके द्वारा जिस प्रकार की खोज उनके माध्यम से जो स्थान पता चलते हैं अपने खोज स्रोत के उनकी जानकारी जो अपने को पता चलती है, फिर हिस्टोरिक काल की प्राचीन समय में किस प्रकार की यहाँ कल्चर जो है विभक्त हुई थी उसके बारे में जो बताएगा। मोनूमेंट्स ओल्ड टेम्पल्स पैलेस पैलेसेस फोर्ट्स क्लॉक टावर्स मॉस्को एंड टॉम स्टोन्स लार्ज प्लेट इंस्क्राइब स्टोन स्टैंडिंग और लेट ओवर ग्रेव्स आर इंक्लूडेड इन मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल कल्चर स्टाइल ऑफ दीज हु बिल्ट दीज स्ट्रक्चर। ताजमहल रेड फोर्ट कुतुब मीनार आगरा फोर्ट हुमायूं टॉम फतेहपुर सीकरी मालेश्वर टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स सांची स्तूप चार मीनार आर सम मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। तो ये जो आपको कई प्राचीन मंदिर हैं, जगह हैं, दुर्ग हैं, क्लॉक टावर्स हैं, मस्जिद वगैरह है, इनका जिक्र जो आपको मिलता है कई प्रकार के जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में। तो इसमें जो आपके ताजमहल है, रेड फोर्ट है, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, इन सब से आप वाकिफ ही होंगे। तो ये जो जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है स्थल माने जाते हैं।
महाबलेश्वर चल मंदिर दे रखा है, चार मीनार का आपको डायग्राम दे रखा है। द आर्ट आर्किटेक्चर सोशियल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीरियड इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड मेटेरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओकरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मेटेरियल एंड डिस्टेंस ऑल टेल्स अस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल्स। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटिंग्स, अब जो है मूर्तिकला और जो चित्रकला किस प्रकार से उस समय बनती थी उसके बारे में, तो ब्यूटीफुल स्कल्पचर एंड पेंटिंग एडॉर्न मोस्ट ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, ब्रॉन्ज वुड एंड स्टोन्स वर मोस्टली यूज्ड मेकिंग स्कल्पचर, देलवाड़ा जैन टेम्पल्स एंड माउंट आबू बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर कॉर्नर गुड वेराइटी ऑफ स्कल्पचर विच इंक्लूडेड फिंगर्स ऑफ वॉरियर्स गोड्स गॉड एंड गॉडेस किंग एंड क्वींस एक्सेल पैलेस सीन्स माइथोलॉजिकल टेल्स फॉरेस्ट द लाइफ ऑफ सम ऑफ दीज थीम्स। तो उस प्रकार की किस प्रकार की थीम थी जो राजा महाराजा थी, देवी देवताओं की मूर्तियां आपको जो देखने को मिलता है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का है, तो वो कई प्रकार की वैरायटी मिलती है विच आर डिपिक्टेड बाय मेडिवल पेंटिंग। दीज पेंटिंग एंड स्कल्पचर थ्रो लाइट ऑन द एवरीडे कस्टम्स एंड हैबिट्स, फूड ड्रेसिंग स्टाइल ऑर्नामेंट एंड द हेयर स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ दैट द पीरियड, उस काल के अंदर अपने वो मिलती है किस प्रकार की उनकी स्टाइल थी, ऑर्नामेंट उनका जो वेशभूषा है, किस प्रकार से रहना है, हेयर स्टाइल्स हैं, पीपल लोग किस प्रकार से वो उस काल के अंदर रहते थे। वॉरियर्स मैनेचर स्टाइल्स पेंटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, द कलर यूज इन द पेंटिंग वर अट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन मिनरल्स प्लांट सोर्स सेल्स वर द एवन ड्राइड बाई प्रोसेसिंग स्टोन गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज, उस समय जो है सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था, पत्थर किस प्रकार से बनाए जाते थे उनके ऊपर, द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर वर्ड लेंथली प्रोसेस समथिंग टेकिंग 2 weeks प्रोसेस यूड आर वेरी फाइन। द चोल पीरियड रिमार्केबल फॉर द स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज, तो चोलों के मध्य उस समय जो रिमार्केबल इसका जो मूर्तिकला के अंदर ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता था, एमंग द स्पेसिमेंस वॉरियर्स म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड एंड द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया मे बी सीन मेनी फाइन फिंगर ऑफ शिवा इन वॉरियर्स फॉर्म्स अकॉम्पनीड बाय द कंसोर्ट पार्वती एंड द अदर गॉड्स, डेमिगॉड गॉड्स एंड गॉडनेस सेविटेड पैंथन विष्णु एंड कंसर्ट लक्ष्मी एंड द नयनार्स शिव सन एंड मोर। तो उस समय जो है इनके अलग अलग बताए गए, आप देखा जाए तो जो आपके सामने मूर्ति दे रखी है शिव की नटराज, उस समय लक्ष्मी और विष्णु को भी माना जाता था, शिव और पार्वती का भी जिक्र किया जाता था। इस प्रकार से उन्होंने अपने कल्चर में मूर्तिकला का भी प्रभाव देखा जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्तियां वो पूजा करते थे इस प्रकार से। फिर आपका आता है इंस्क्रिप्शन शिलालेख, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसकी इंस्क्रिप्शन वर कॉमनली इनसाइड ऑन स्टोन मार्बल मेटल टेराकोटा और वुड, दे रिकॉर्डेड रिलीजन इंस्ट्रक्शन सोयल ऑर्डर्स गिफ्ट प्रोवाइडेड टू विलेज एंड टेम्पल, सोल इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ऑन वॉल्स ऑफ फेमस मोनूमेंट्स। तो ये जो दीवारों के मध्य बनाया जाता शिलालेख जो है लिखे जाते थे, आपको पता है सजी ताजमहल रेड फोर्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द पैलेस वॉल्स राजपूत स्वर मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दीज इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, वो लोगों के जीवन के बारे में अपने को जानकारी देते हैं। अचीवमेंट ऑफ द ग्रेट किंग्स देम इवन प्रोवाइडेड जियोलॉजिकल लाइक लिस्ट ऑफ द किंग फॉर्म अ डायनेस्टी इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉज हेल्प अस टू लर्न ए लॉट अबाउट साउथ इंडिया। तो जिस किस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर जो है मंदिर बने गए हैं, शिलालेखों के ऊपर जो है उनका वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से अपने को पता चलता है, सीखते हैं साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत के अंदर किस प्रकार की जानकारी अपने को मिलती है। फिर आता है आपका कॉइन्स, एसेंट कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू द सिंस एसोसिएट विद द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स, नाउ ए डोमेस्टिक कॉइन्स जनरली डिपिकेटेड the title of name ruler who issued along with the date of issue, some coins also sometimes royal dynasty imbalance rulers। तो अब प्राचीन समय के अंदर सिक्के प्राप्त होते हैं, ये इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण जो है अपनी रखते हैं, साइंस के अंदर पता चलता है अपने को इस कलेक्शन इतिहास का अध्ययन जो है सिक्कों का इतिहास के अंदर कॉइन्स का किया जाता है उसको नोमेस्टिक किया जाता है। कॉइन सामान्यतः अपने जानकारी देते हैं कि किस समय जो है इनको जारी किया गया था, उस समय कौन सा शक्ति उनके बारे में अपने को पता चलता है। द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड दिस डिस्टेंस पैलेस फ्रॉम देयर पैलेस ऑफ ऑरिजिन
विच इंडिकेट्स अदर दोज पैलेस वर पार्ट ऑफ दैट किंगडम और किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विथ दोज पैलेस मैटर्स यूज टू मेक देयर दीज कॉइंस टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑन द किंगडम कॉइंस आर इश्यूड बाई दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर चोल रूलर साउथ इंडिया एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर इवन मर्चेंट लॉज लोकल राजा एंड फॉरेनर इश्यूड कॉइंस टाइम टू टाइम। तो उस समय जो है आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सिक्के जारी किए गए मुगल शासकों द्वारा किए गए चोल शासकों द्वारा साउथ भारत के अंदर, तो आप देख ही सकते हैं इसमें जैसे सेओ ये जो नाम दे रखे हैं कि कौन सा सिक्का कब जो कौन से जो मराठा रूलर्स ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है सिक्कों का ये मराठा शासकों द्वारा 1674 के अंदर जो है जारी किए गए थे। यूज ऑफ वेरियस सोर्स, अब दूसरे कौन से ऐसे सोर्स थे जिनका उपयोग करते थे, तो जुडिशियल एंड carefully huge source of has been done by the historian in order of depicted the correct picture of the period studied by them. Sources such as coins, archival record are considered to be more reliable as compared to other sources such as oral tradition and literature. However, we do not have evidence in the form of coins केवल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ डायनेस्टी। तो अब जो है कहीं अपने को मिलते हैं कि न्यायिक तौर पर जो किस प्रकार के जो स्रोत मिलते हैं उनके माध्यम से जो पता चलता है वहाँ की जो पिक्चर किस प्रकार का उस काल का जो दृश्य है उसको अपन अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार के उनके सिक्के थे उसके शासन के जो चलाया जाता था उसके बारे में जो वहाँ की साहित्य है वहाँ का जो व्यवस्था है किस प्रकार का ट्रेडिशन चलते थे धारणा। समटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सोर्स मे बी and absolute opposite to the information provided by another source. In some cases, information contained in literature or inscription may not be clear and may give rise to multiple interpretations. This means that different historians may interpret a single text in the different page. Do iska उनके बाद ही हम जिक्र किया जाता था जो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती थी उसके समय उन सूचनाओं का जो है अपने को प्रदान किया जाता था अन्य स्रोतों के माध्यम से पता लगाया जाता था। इसी के साथ अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।